द वर्ल्ड इज चेंजिंग। अपने इर्द गिर्द देखें, हर चीज डिजिटाइज हो रही है। पैसा डिजिटल हो रहा है। एल सेल्वाडोर में तो अभी से डिजिटल करेंसी एक्सेप्ट की जाने लगी है। बुक्स भी डिजिटल हो चुकी हैं, सो आर मैगजीन। इनफैक्ट अब तो डिजिटल आर्ट भी कन्वेंशनल आर्ट को ओवरशैडो कर रहा है। पीपल आर गेटिंग इनटू एनएफटीज। With all this change happening around us, बहुत जरूरी है कि हम अगली जनरेशन को कन्वेंशनल चीजों को अप्रिशिएट और अडॉप्ट करने की तलकीन करें। फ्री फ्लोइंग ब्रश स्ट्रोक्स ऑन अ ब्लैंक कैनवस, द स्मेल ऑफ फ्रेश पेंट, मिक्सिंग ऑल दोज वाइब्रेंट कलर्स एंड लेटिंग योरसेल्फ फ्री। अच्छी फैसिनेटिंग दुनिया है आर्ट की भी, एंड माय सन इज ऑल्सो हुक्ड ऑन। Started with sketches. और अब मौसूब डिजिटल आर्ट की तरफ आ गए हैं और अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस भी कर रहे हैं, तो इस स्टोरी के लिए आलियान का आना तो बनता था। इंस्पायर और मोटिवेट होने के लिए यूसुफ शाह साहब जैसे सीनियर आर्टिस्ट की सोबत से बेहतर और क्या हो सकता है। मेरा नाम है यूसुफ शाह, तो बेसिक मेरा ताल्लुक कराची से ही है। पेंटिंग के अंदर मुझे तकरीबन 35 साल हो गए। काम सीखा भी कराची में, मैंने लाहौर में, इस्लामाबाद, पिशावर, कोयटा, आज़ाद कश्मीर के पहाड़ों में भी जाके और दूर दराज बॉर्डर के इलाके में भी जाके यही काम करते रहे। किसी जगह पर हमें वाटर कलर शूट करता है कि ये वाटर कलर से काम होना चाहिए, किसी जगह ऑयल पेंट यूज़ करते हैं, कैलीग्राफी के लिए फिर मुख्तलिफ मीडिया होता है, एक्रेलिक भी ऑयल भी दोनों मिक्स करके काम किए जाते हैं, कई जगह इंक यूज की जाती है। ये बताइएगा, पिछले 20 सालों में आपकी नज़र में आर्ट किस तरह तब्दील हुआ है, कितना बदलाव आया तो कैसा बदलाव आया? आज से 20 साल पहले जो आर्ट होता था वो सिर्फ हम अपने ही कल्चर के बारे में जानते थे और अपने कल्चर के बारे में हमें मालूम थी कि ये पेंटिंग बनानी है शशि पन्नू हीर राजा और यही हम उसको कल्चर समझते थे। अब ग्लोबल विलेज है, नेट है, हर चीज़ें, तो इन 20 सालों में हर किसी को, हर आदमी को अवेयरनेस हो गई आर्ट के बारे में कि आर्ट कितने किस्म का है। उसमें मुख्तलिफ मुल्कों का फ्रेंच आर्ट है और लियोनार्डो को लोग जानते हैं, वैन गोग को जानते हैं, लेकिन 20 साल पहले इतने जो फेमस आर्टिस्ट थे पिकासो वगैरह को लोग नहीं जानते थे। आजकल हर आदमी को ये पता है कि ये पिकासो का आर्ट है, ये लियोनार्डो का आर्ट है, ये वैन गोग का आर्ट है। नई जनरेशन को आर्ट की तरफ कैसे लाया जाए, खासतौर पर फिजिकल आर्ट की तरफ, क्योंकि अब जैसे हम पहले ही बात कर रहे थे कि हर चीज़ डिजिटल हो रही है, हमारे जो बच्चे हैं वो भी डिजिटल आर्ट की तरफ जा रहे हैं, उसी तरह डिजिटल बुक्स की तरफ जा रहे हैं, तो उनका इंटरेस्ट और रुझान स्कूल की आर्ट क्लास से हट के किस तरह आर्ट में बढ़ाया जा सकता है कि वो ऑयल पेंट की तरफ आएँ या कैनवस की तरफ आएँ या एक्रेलिक पेंट्स की तरफ आएँ? उनके लिए हम स्कूल वगैरह बनाएँ, हर स्कूल के अंदर आर्ट क्लासेस हों, अच्छे आर्ट टीचर हों, हर बच्चे के अंदर जैसे ही वो अपने 7-8 साल की उम्र में जब वो जाता है तो वो अपना रास्ता खुद बना लेता है कि उसमें आर्टिस्ट बनना है, उसमें इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो जो जो शौक जिस बच्चे में होता है वो खुद बखुद ही उसको आगे रास्ता ढूंढता रहता है, उसको पता चलता रहता है कि जैसे ये मेरे दोस्त हैं हारून, उनकी पेंटिंग भी आप थोड़ा दिखाएंगे। ये हारून के साथ आपको एक और बॉय भी नज़र आ रहे होंगे, ये आलियान है, इज माय सन। और जो हम मोटिवेशन की बात कर रहे हैं ना यूसुफ साहब, आप इनको बड़ा शौक है आर्ट करने का, और ख़ासतौर पर मैं इनको आपसे मिलवाने के लिए इसी लेके आया हूँ ताकि देख सके, सीख सके कि काम किस तरह से होता है, ताकि आगे चल के ये भी कर सके। फिलहाल हम हारून साहब का ये आर्ट दिखाएं, आप बता रहे थे इसके बारे में कुछ। हमें हारून ने एक साथ ही काम शुरू किया था, हमारे जो साथ थे टीचर हमारे, उन्होंने हमें देखने के लिए कि ये बेसिक आर्टिस्ट ही हैं, ये बस इनको थोड़ा सा आगे रंग बन और ये समय हो जाएगी तो ये काम शुरू कर देंगे। सिर्फ कंप्यूटर पे हम देख के, ये किसी को देख के आदमी नहीं सीख सकता, जैसे हम किसी का गाना सुन के गाना नहीं सीख सकते, गाना गा के ही सीखना पड़ता है। इस तरह पेंटिंग खुद करनी पड़ेगी, खुद ब्रश उठाने पड़ेंगे, रंग लगाने पड़ेंगे, तो ही आदमी आर्टिस्ट बनेंगे, और उसके लिए प्रैक्टिस ही जो है ना, हर बच्चे को चाहिए कि वो प्रैक्टिस
करता रहे। आप अभी फॉरेन इन्फ्लुएंस की बात कर रहे थे तो एथरल भी हमारे सामने है, ये भी आप ही का काम है। थॉट प्रोसेस क्या था यूसुफ साहब इसके पीछे, या एर्थरोल इतना हिट हो गया तो आपने सोचा एर्थरोल भी बनना चाहिए? एर्थरोल का विलन है नायान जी, मुझे अच्छा लगा इसका काम बतौर विलन, तो इस वजह से मैंने इसको पेंट करने की कोशिश की कि ये पेंट करूँ मैं इसको, तो अभी कंप्लीट नहीं किया मैंने इसको और मैं फिनिशिंग करूँगा इसकी। अच्छा, तो देखा बेटा कोशिश कह रहे हैं इसको भी, ये कोशिश है यूसुफ साहब की। वाह यार वेरी नाइस। यूसुफ साहब से आप बात कर ही रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, ये साकिब शाह हैं, इनके साहबजादे हैं, खुद भी बड़े ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं माशाल्लाह से। ये जी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना की एक पेंटिंग है, बहुत खूबसूरत, आई एब्सोल्युटली लव इट। चेक आउट द डिटेल्स यार, उफ क्रेजी डिटेल्स ऑन दिस। अंदाजन कितना टाइम लगा इसको बनाने में? काफ़ी टाइम लग गया था, 8-10 दिन लग गए। 8-10 दिन लग गए थे इस स्टाइल में कायदे आज़म की कोई पेंटिंग बनी नहीं, एक मखसूस अंदाज है जो देखने में पता चल जाता है भी जना क्या है और इस तरह की जी, लेकिन ये अंदाज ज़रा मुख्तलिफ था, तो इस वजह से मैंने इसको ये बनाया कि ये अच्छा लगेगा और ये मैंने अपने पास ही रखा हुआ है अभी तक। आप किस मीडियम पे काम करते वाली हैं? आई डू डिजिटल आर्ट और मैं स्केचेस भी करते रहता हूँ यूजुअली, अब मैं शिफ्ट किया डिजिटल आर्ट की तरफ। दिस केम आउट ऑफ दिस क्रेजी फाइल के इस मूवी का पोस्टर है ये, बैक व्हेन देयर वर पोस्टर्स बीइंग मेड। ठीक है, हम इंस्पिरेशन की बात कर रहे थे, किस तरह बच्चों को इंस्पायर किया जा सकता है। ये फादर एंड सन इंस्पिरेशनल स्टोरी आपके सामने है, बिकॉज यूसुफ साहब 30 साल से आर्ट कर रहे हैं, साकिब शाह साहब इनको देख देख के अब खुद आर्ट कर रहे हैं। आपको कितना टाइम हो गया साकिब भाई? मुझे तकरीबन हुए 4 साल हुए मुझे। ठीक है, और आप भी सिमिलर मीडियम पे काम कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं? मैं बेसिकली नाइफ पे ही काम कर रहा हूँ, दरख्तों पे काम कर रहा हूँ। वाह, जो फिलहाल जो आपको हीट नजर आ रही होगी कराची में, तो मैं इस सब्जेक्ट पे काम कर रहा हूँ कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए, ताकि ये जो हीट आपको नजर आ रही हो कितनी कराची में हीट पड़ रही है, तो ये कम हो सके। तो जनाब ये सिनेरियो है। यूसुफ साहब बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, आपने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया सर, अपना टाइम दिया हमें, और आई एम श्योर इसने भी कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश की होगी। ठीक है बेटे, चले ख्याल रखिए यूसुफ साहब, बहुत शुक्रिया। हम साकिब साहब को लेके जा रहे हैं, ठीक है जी, इनकी गैलरी, ताकि वहाँ जरा इनका भी आर्ट हम देख लें। इनका आर्ट वहीं पे। हाँ भाई सीखा कुछ? देख ही नहीं लिया हमने। चले साकिब भाई, लेट्स गो। दिस प्लेस इज जस्ट हेवनली। आई ट्राई टू शो यू एज मच आर्ट एज आई कैन, और जो आर्टिस्ट हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा ताकि आप सर्च कर सकें इनको। हारून साहब के यहाँ पर बहुत आर्ट पीसेस हैं जिनका जिक्र कर रहे थे यूसुफ साहब, यहाँ पर तमाम पेंटिंग्स हैं, हारून साहब का नाम नज़र आएगा। हारून साहब छाए हुए हैं भाई आपकी आर्ट गैलरी में? बिल्कुल बिल्कुल, इनसे काम से असल में जब मैं इनकी उम्र में था ना आपकी बेटी की जी, तो मैं इनसे उसी एज में इंस्पायर किया गया। वाह वाह, तो हमारी तो चीज ख्वाहिश है कि हमारी औलाद भी कुछ इसी तरह इंस्पायर हो जाए। बट देन अगेन दे विल डू व्हाटएवर दे वांट टू डू एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बेटे चेक कर रहे हो ये तुम? दिस इज इनसेन स्किल बेटा। साकिब शाह के आर्ट की हम बात कर रहे थे, ये साकिब शाह का आर्ट है, इज मोर इनटू ट्रीज शैडोज हाइलाइट्स। ठीक है भाई, वक्त का माल है। सो यू नीड टू फाइंड दिस सिग्नेचर अगर आप साकिब शाह का आर्ट तलाश करना चाहते हैं। साकिब भाई अपने शॉप का एड्रेस भी बता दें आप गैलरी का, ताकि लोग अगर आना चाहें तो। ये जमजमा के पास ही है नीलम कॉलोनी, तो इसको यहाँ आना हो, मैंने अपनी लाइव लोकेशन अपने पेज पे डाली हुई है इंस्टाग्राम पे। पेज भी शेयर कर लें अपना, फनून आर्ट्स के नाम से मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है, तो जिसको मेरा आर्ट देखना हो, आर्म साहब का, मेरे वालिद साहब यूसुफ साहब का और अब्दुल हमीद साहब का, तो जिनका और काफ़ी मुख्तलिफ आर्टिस्ट हैं सारे, तो जिनका काम देखना हो आपको तो वो मेरे पेज पर ज़रूर विजिट करें फनून आर्ट्स के नाम। ठीक है, कानून आर्ट्स के नाम से भेज आपका, हम सर्च कर लेंगे, हैंडल भी दे देंगे इंशाल्लाह, इट शुड बी कमिंग समवेयर हियर। कुछ और आर्टिस्ट भी मिलेंगे आपको यहाँ पर, ये अब्दुल हमीद साहब हैं,
तो आपको लग रहा है कि ये कैमरा डबल शेड दिखा रहा है, ऐसा नहीं है, इट्स मेड लाइक दैट। सो जी, दिस इज द वर्ल्ड ऑफ आर्ट्स, और ये छोटी सी झलक दिखाई है इस दुनिया की हमने आपको। इस दुनिया में और बहुत कुछ है जो बदलते वक्तों के साथ भी अपनी इम्पोर्टेंस बरकरार रखे हुए हैं। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिट। दुनिया चाहे जितनी भी आगे बढ़ जाए, जितनी भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो जाए, जितने भी आर्टिस्ट डिजिटल आर्ट पे शिफ्ट हो जाए, इस आर्ट की अपनी ब्यूटी हमेशा कायम और दायम रहेगी। जिस तरह वो पेपर पलट के किताब पढ़ने वाले शौकीन हमेशा रहेंगे, उसी तरह कैनवस के आर्ट के शौकीन भी हमेशा रहेंगे। फॉर नाउ, नोमैड आउट।